जितनी अच्छी से उन्होंने बॉलिंग की थी तो लग रहा था कि हाँ जीत जाएंगे, लेकिन हाँ लेकिन यार इन्होंने बैटिंग में पता नहीं क्या किया यार, मेरा सर दर्द हो रहा है, आंखों में है आंसू आ रहे थे यार। क्या कहेंगे सर आज के मैच के ऊपर? बस यार सर बहुत गंदा खेला, नाले थे इन सब। सर क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर? बात ही नहीं कोई करना चाहता यार, बात ही नहीं कोई करना चाहता कि भाई इतनी गंदी हार के ऊपर। वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे हाई वोल्टेज जंग इंडिया पाकिस्तान में एक बार फिर से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। टीम इंडिया को हराने का सपना देखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का इस हार के बाद दिल टूट गया। सात समंदर पार कैरिबियाई आइलैंड और अमेरिकी की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में नौवें एडिशन में सुपर संडे की रात को इस वर्ल्ड कप का सबसे सुपर हिट ब्लॉकबस्टर देखने को मिला, जहां वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट आर्च राइवल इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थी। यहां पर पाकिस्तानी फैंस को टीम इंडिया को हराने की उम्मीद थी, लेकिन रोहित शर्मा एंड कंपनी ने पाकिस्तानी फैंस को निराश कर दिया। इस T20 वर्ल्ड कप में बाबर की सेना पहले USA जैसी कमजोर और छोटी टीम के अगेंस्ट सेटबैक का शिकार हुए, जिसके बाद टीम इंडिया से जीती बाजी हार गए। इस हार ने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका दिया। न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने गए पाकिस्तानी फैंस ने इस हार के बाद मीडिया के सामने अपना गुस्सा और निराशा जाहिर किया। पाकिस्तानी फैंस के मुंह लटके हुए नजर आए और उन्होंने अपनी टीम की हार पर दिल टूटने की बात कही। पाकिस्तानी फैंस इस हार से इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने अपनी टीम के USA के खिलाफ हार पर यह तक कह दिया कि उन्हें केन्या या युगांडा से खिलाना। ये फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखा और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को जमकर लपेटा। साथी दोस्तों वहां पर खड़े कुछ फैंस ने तो चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन रहे सरफराज अहमद को लाने की डिमांड कर डाली। आप पाकिस्तानी फैंस के इस निराशा और गुस्से को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।